हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को हमारे तरफ से ईद मुबारक। और ये बकरीद कुछ ख़ास हमारी फैमिली के बीच तो नहीं हुआ, पर जो भी है फैमिली की खुशी के लिए ही हम बाहर आए हैं। और ये खुशी हमारे माँ बाप को ज़रूर देंगे। और आज सोचे हम बकरीद है तो क्यों ना हम घूमने चले, तो इसीलिए हम घूमने आ गए। और हमारे तरफ से आप सभी को बकरीद मुबारक हमारे भाई, ऑल यूट्यूब फैमिली को बकरीद मुबारक। आज हम बस में बैठ चुके हैं, देखो ये हम हैं, ये हमारी टीम भी है हमारे साथ में, और ये वाले हैं, ये हमारे चिचा लोग भी है। देखो ये पूरी बस खाली है अभी, और ये बस दो फ्लोर की है, मैं आपको सामने से दिखाऊंगा, तो आप बने रहे जब तक के लिए, मिलते आगे। तो भाई हम सिटी में आगे देख सकते हैं, ये है सिटी पूरा। और सामने की बिल्डिंग देखो कैसा है भाई, ऐसा है बिल्डिंग यहाँ पे, ये है सिटी। मैं आपको भी पूरा कुवैत का व्यू दिखाने वाला हूँ, मैं जहाँ तक जाऊँगा ना भाई वहाँ का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। देख सकती है पूरे यूपी बिहार बांग्लादेशी भाई भरे हुए हैं, ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। तो भाई हमारे भाई ने ये शर्ट लिया देखो, और बहुत अच्छा है, और थोड़ा शूज उज लिया हमारे भाई ने। और हम जो आए ना भाई, वो बस थी हमारी दो फ्लोर की बस है, और कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू है, ये देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरा यहाँ पे इंडिया बांग्लादेशी पाकिस्तानी भाई है, देख सकते हो बिल्डिंग कितनी बड़ी है। वाह, ये व्यू है, वाह। हमारे भाई भी है साथ में हम, और ये देख सकते हो भाई ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। मैं आपको अभी समंदर का व्यू दिखाने वाला हूँ, समंदर पे यहाँ बीच के ऊपर क्या है, क्या होने वाला है, क्योंकि मैं भी पहली बार कुवैत का समंदर देखने आ रहा हूँ। तो चलो, अरे चली गई भाई, सुपर कार चली गई, तो कोई बात नहीं भाई, हम आपको सुपर कार भी दिखाएंगे रास्ते में। तो यहाँ पे रोड क्रॉस भी करना समझ लो मौत से खेलना है, और इतनी गाड़ी तेज चलती है उसमें रोड क्रॉस करना, मैं तो देख लेता हूँ। ये भाई ने देखो कबूतर गिन रहा है यहाँ पे आकर के, कुवैत में आके कबूतर गिन का, भाई कबूतर गिन रहा है तो हमारे यूपी बिहार में बहुत कबूतर है, वहाँ गिन लेंगे हम। तो हम कहाँ पहुँचे भाई, तो हम समंदर के किनारे समझ लो पहुँच गए भाई। ये ठीक है, बाप रे बाप, ये तो हम तो भाई दिल्ली बम्बई में छोटी छोटी देखते थे, बड़ी बड़ी भी देखे। ये सब बहुत ही खास बनाया भाई यहाँ का सरकार ने, वो ये देखो ऐसा झुका दिया, फिर ये बिल्डिंग पूरी आ रही है। यहाँ पे तो भाई हमारे क्रिकेट भी खेल रहे, देखो वाह, अच्छा भाई खेलो क्रिकेट, हमारे कुवैत को हिंदुस्तान बना दो। देखो ये भाई बैटिंग कर रहा है, और ये भाई बॉलिंग कर रहा है, और ये देखो ये पूरा समंदर है, ये है पूरा समंदर, मैं आपको पूरा समंदर का व्यू दिखाने वाला हूँ। पीछे से व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है, देखो वाओ। हम ये मेन सिटी तो नहीं है, पर नेक्स्ट वक्त मेन सिटी भी जाएंगे, और ये व्यू देख लो आप पहले, वाओ। ये भाई सब क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये हमारे दो भाई है, हम इसी के साथ घूमने आए हैं। और ये समंदर का व्यू देख सकते हो आप, ये समंदर कुछ इस तरह का, यहाँ सा ट्रैफिक देखो कुछ तरह का इस तरह का लगता है। और ये रोड है, ये गाड़ी भी आ रही है, देखो यहाँ पे भाई गाड़ी बहुत रफ्तार चलती है, समझे क्या, और ये देख सकते हो आप। तो फ्रेंड हम आ गए समंदर के पास, और ये है दरियाए नील, दरिया नील तो नहीं पर कुवैत का समंदर है, कुछ खास ही है। देखो वाह, क्या यहाँ पे तो पूरा धूप है, इधर का तो व्यू पूरा ब्लैक दिख रहा है देखो, और यहाँ से कुछ इस तरीके का दिख रहा है भाई। ये देखो वो कैसा सेल्फी ले रहा है, अगर पानी जोर से आया तो समझ लो गया, लेकिन जो भी है रिक्शा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिक्शा करना ही समझ लो हमारे किस्मत के आखिरी दिन होता है। ये तो पूरा हिंदुस्तान बन गया है समझ लो, ये तो हम सोचा भी नहीं था कि इस तरह की पब्लिक होगी हमारे बीच में। वाह, हमें हिंदुस्तान में रहो या कुवैत में रहो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान ही भरे हुए हैं। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो पूरा आदमी भरा हुआ है, और यहाँ पे आया तो कुछ देखने के लिए मिला, देखो भाई साहब डांस कर रहे हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे होता है। और ये पूरा देख सकते हो, वाओ 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 वाओ, बहुत ही खास। देखो भाई समंदर का तो मज़ा ये लोग ले रहे हैं, वाओ बहुत ही है, किस तरह दिख रहा है पूरा समंदर। ओ ये तो पूरे रेती धरी आ जा रहा है भाई, यहाँ से आप देख सकते हो व्यू। और ये देखो ये पानी का लहर देखो कैसा आ रहा है, भाई साहब नहा रहे पूरे
समंदर में, उस वक्त एक आदमी छोटे नाव से पानी के बीच में गिर गया था, बहुत देर के बाद निकला हुआ। तो रिक्शा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिक्शा लेना ही वो जो नाव चल रही ना वहाँ पे उसी से गिर गया था नीचे। ज़्यादा रिक्शा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिक्शा लेना गलत बात है। और आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, असल मज़ा तो ये लोग ले रहे हैं भाई, हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम तो एक ही कपड़े लाए हैं, जो सुबह नमाज़ पढ़े वही कपड़े पहन के आए, उसके बाद तो कोई कपड़ा ही नहीं लाए, इसलिए नहीं तो हम लोग भी नहाते। और देख सकते हो इस तरीके का समंदर यहाँ का, और अभी थोड़ा देर में अंधेरा होने वाला है ना, उसके बाद आपका व्यू दिखेगा। देखो वो बिल्डिंग कैसा दिख रहा है यहाँ से, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ से ये पूरी बिल्डिंग सबको आपको दिखेगी, यहाँ ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो देखते हैं और आगे क्या है, यहाँ का व्यू देखो भाई कैसा। और ये देखो वाओ, ये कुवैत, आई लव कुवैत। किस फोटो में कौन सा खींच लिया। शाम का जो व्यू है ना भाई, शाम का व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो ये जो व्यू है ना, क्या ही बोलते भाई, पूरे पानी के नीचे से आप देख सकते हैं। और ये लहर देखो क्या है पानी का, वाओ। ये ऐसा शाम का व्यू कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो ये कुवैत का शाम का व्यू है। और क्या ही बोलते हैं भाई, बहुत मस्त व्यू है। मैं तो नेक्स्ट वक्त देखेंगे कुछ अलग। ये जो है ना, ये मीनार जो दिख रहा है ना, ये वाओ, इसी पे तो क्या ही बोले पब्लिक, मस्त है भाई। शाम का व्यू किस तरह का दिख रहा है भाई, और समंदर तो ऐसा दिख रहा है, देखो सामने की कैमरा से नहीं दिख रहा है ऐसा, लेकिन पीछे से दिख रहा है ऐसा। देखो ये शाम का व्यू पूरा, इस तरीके का है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, और आगे चल के देखते हैं अभी क्या है ये। तो मैं थक गया बहुत, क्योंकि बहुत एक दो घंटा हो गया आने से, थक गया पूरा। पो रेत में चलते चलते दर्द होने लगा। और वो जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना, मैं बस पे चलूँगा, देखूँगा उसमें DSL LED लगा हुआ है, शायद रात में कुछ दिखता है तो मैं आपको भी दिखाऊँगा।